अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? तो यहाँ देखिए, आया मुझसे कौन मिलने आया है? ये है मेरी मुआनी की लड़की, जो कि मेरी बहन भी है, लेकिन मेरी फ्रेंड ज़्यादा है। सिस्टर तो है ही, लेकिन मेरी फ्रेंड ज़्यादा है, क्योंकि मैंने और कोई फ्रेंड तो नहीं थी। बाहर स्कूल में थी, स्कूल छोड़ने के बाद मेरी कोई मोहल्ले में, मेरी कॉलोनी में आसपास फ्रेंड नहीं थी, तो मेरी फ्रेंड यही लोग थी। बचपन से लेके बड़े तक, शादी होने के बाद ही हम लोग अलग अलग हुए। मतलब शादी होने के बाद तो सभी अलग अलग हो जाते हैं, तो इन्हीं के साथ मैं खेलती थी बचपन से ही। और जो है मार्केट, शादियों में जाना, कहीं पर भी जाना, तो ये इन्हीं लोगों के साथ जाती थी। और भी हैं मेरी मौनियों की लड़कियां, कभी अगर हमारे घर में कभी शादी वगैरह होगी ना, तब मैं जाऊंगी, तब मैं आप लोगों को ज़रूर मिलाऊंगी। मेरी सारी जो सिस्टर हैं, मेरी फ्रेंड है, सभी से। अभी तो फ़िलहाल ये जो है मिलने आ गई हैं, तो ये इनकी ससुराल जो है धौलपुर में है, और इनकी शादी मुझसे बहुत पहले हो गई थी। इन जो ये जो है मुझसे थोड़ा सा बड़ी हैं, तो इनकी शादी जल्दी हो गई थी। और इन पे जो है अपनी बहन से मिलने आई थी, इनकी बहन भी आई हैं, साधना नाम है जिनका, वो भी मुझसे कल मिलने आई थी और सुबह भी मिलने आ गई थी। तो बस ये उनसे ही मिलने आई थी, क्योंकि होता है ना शादी के बाद बहनें बहनें सब अलग हो जाती है, कभी कभी मिलना हो पाता है, तो बस इसीलिए ये आई थी, तो मुझसे ही मिलने आ गई हैं। और बस अभी हम लोग जाएंगे अलमीरा लेने, तो अभी हम जा रहे हैं अलमारी लेने। और मैं बोल रही थी कि तुम ही लोग जाके ले आओ, लेकिन ये लोग मुझे लेकर जा रहे हैं खदेड़ के। चलो खदेड़ के लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैं इस वजह से जा रही थी, मैं कहती हम लोग तैयार हो जाए, तो क्योंकि हमें निकलना है फिर सिपरी के लिए। हम नहीं जाने दे रहे हम नहीं जा रहे, ना मैं तैयार हुई ना कुछ। तो अभी आए एक दिन के लिए, दूसरा दिन भी हो गया, अब आएंगे हम कुछ टाइम बाद रुकने के लिए। वो टाइम आएगा जल्दी से। कब? जल्दी कब? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद? 10 दिन दस दिन तारीख में उसमें मैंने कहा। अभी क्या 1 तारीख हो गई ना, मैं डेली में निशान लाऊंगी। 14 तारीख को हम रहने में होंगे, ठीक है? ओके ओके ओके। तो अभी बस मैं अकेली आई हूँ, बच्चे भी घर पे हैं, ये भी घर पे, मतलब सब लोग घर पे, बस मैं जा रही अलमारी लेने के लिए। कल फाइनल कर दी थी, लेकिन वो क्या होता है कि एक चीज पसंद कर देती कर लेती ना, तो और चीजों पे भी ध्यान चला जाता है। तो कल हम रात में थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे थे, पैसे तो जमा कर दिए, बुक कर दिए, लेकिन उसी रेट में और भी अलमारी थी, तो हमको कुछ वो भी पसंद आ रही। तो उन्होंने भैया ने बोला कि आप सुबह आ जाना, आराम से देखना, और जो पसंद आए वो उठा के ले जाना। तो बस गुलाबसा को ले जा रहे हैं, और क्योंकि यूज तो गुलाबसा को करना है ना, तो मैंने कहा तू चेक करके देख ले अपने खन वगैरह जो भी रैक है, और लॉक वगैरह अच्छे से घुमा कर देख ले। तो मैं इससे बोली तू ही चली जा, लेकिन नहीं, साथ में जाना है, सही पसंद आएगी तभी, सही पसंद आएगी। तो चलो मार्केट में ही मिलते हैं, और अलमारी को साथ में ही लेके आते हैं। अब साथ में ही लेकर आए, शाम को तो ऐसे आ बैठते हैं, बट अब नहीं आएंगे, अब तो लेके ही आएंगे, और एक दिन इंशाल्लाह इसी भी लेके आएंगे। किसे भी लेके आएंगे? एसी इवन की इसी भी लेके आएंगे, एसी से पहले फर्नीचर लगवाना, फिर एसी लगाना किचन में, बेड वगैरह ये सारी चीजें, फिर एसी अंदर वाले रूम में, फिर बुलेट जी सान करेगा, बुलेट फट 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 फट, इतनी बुरी लगती है आवाज उसकी, नहीं भी बस अच्छी लगती है, बुलेट फट 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 करती रहती है वो बस आवाज। चलिए फिर चलते हैं, कार ले लेंगे सीधे, ऐसी नहीं बाजी लेनी पाए उससे पहले ले लेंगे, ठीक है ले लेना इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। तो बस यहाँ देखिए हम लोग आ गए हैं दूसरी शॉप पर, और यहाँ हम रात में भी आए थे, तो ये वाली अलमीरा जो है हम पसंद करके गए थे, और इसी के और भी डिज़ाइन है, तो हम जो है लेकर आए ये नाप। मतलब हमारे क्या है, घर आपको पता है 10 फुट का मकान है, मतलब जो उसकी चौड़ाई सिर्फ 10 फुट है, तो पापा कह रहे थे झीने में से पता नहीं निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगी, क्योंकि छोटा सा झीना है। तो हम लोग जो है जाल में से, जो ऊपर रहते हैं ना टट्टर बोलते हैं, जाल बोलते हैं, उसमें से ले जाने की सोच रहे हैं बगल वालों के घर में से। तो बस यहाँ पर जीसान जो है यही देख रहा था कि जाल में से ये चली जाएगी कि नहीं, तो बस इसका जो नाप है ये छोटी बेटी, जाल सही है बड़ा है। तो वहाँ पर हमने चेक कर रहे थे, तो उसके जो ड्रो थे ना थोड़े से टाइट लग रहे थे, तो इसलिए मैंने गुलाबसा से बोला कि तू अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि यूज़ तो तुझे करना है।
तो वो बहुत टाइट खुल रहे थे। गुलाब साहब बोली थी इसके साथ तो मेरे ऊपर अलवारी आ जाएगी। तो वहाँ पर जो है हमने चेक की, लेकिन भैया ने बोला कि अंदर जो है आप और देख लो, नए डिज़ाइन और आए, क्योंकि इनका जो है थोक का काम होता है, इनकी अलमीरा बनती है। तो बोले थे कि रात में और अलमीरा बनी है, कलर हुए हैं, तो और डिज़ाइन पसंद आए तो और देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है ये वाली अलमीरा जो है हम लोगों को पसंद आ रही थी, क्योंकि इसके जो ड्रॉ वगैरह है सब कुछ अच्छे हैं, सिर्फ एक जो ड्रॉ है ना ये थोड़ा सा टाइट था। तो भैया ने जो है इसको सही कर दिया था, कह रहे थे अगर आपको पसंद आ रही तो हम इसको सही कर देते हैं। तो उन्होंने ग्रिस वगैरह लगा के इसको सही कर दिया था। और यहाँ देखिए मैं लॉक वगैरह खोल कर देख रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है उस वाली अलमीरा से जो है स्पेस ज़्यादा दिख रहा था और सही लग रही थी ये। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत मतलब अच्छा सा स्पेस है इसमें। तो भैया ने कि आप और अच्छे से देख लो, मतलब और कोई डिज़ाइन पसंद आए, कलर पसंद आए, कुछ भी आए तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है थोक का काम होता है, तो यहाँ प्राइस जो है सही थी बिल्कुल। तो इसीलिए हमने जो है रात में हम बुक कर गए थे अलमीरा को, पैसे भी हम दे गए थे। तो इसीलिए अब रात में देखो, और कोई शॉप होती है तो वहाँ पर जो है अगर हम बुक कर देते तो हमें वही चीज़ देते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करा उन्होंने। उन्होंने कहा अगर और कुछ पसंद आए तो और कुछ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमको जो अलमीरा ये वाली पसंद आ गई, तो ये तैयार नहीं थी, इसमें कांच वगैरह नहीं लगा था, क्योंकि ये रात में ही बनकर आई थी। तो इसलिए भी यानी कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तो हम जो इसको तैयार कर देते हैं। तो बस इसमें कांच वगैरह लगा रहे हैं और हम लोग चले जाएंगे, और पापा जो है इसको गाड़ी में लेकर आ जाएंगे, मतलब लोडिंग गाड़ी जो रहती है ना उसमें लेकर आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर ये कांच वगैरह लग रहा है इसका, और इसकी जो प्राइस है ना 10,500 है, क्योंकि यहाँ पर जो है किलो के हिसाब से, मतलब जो लोहा चल रहा था ना उस किलो के हिसाब से मिलती है, और बस मजदूरी के हिसाब से, मतलब ओवर पैसे नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर सही प्राइस में पड़ गई थी। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ का है लास्ट ब्लॉग, और बस मैंने सोचा चलो जाते जाते एक ब्लॉग में स्टार्ट कर लेती हूँ, जो कि मैं घर जाने तक अपना कवर कर लूंगी। और गुलाब साहब यहाँ मेरा ब्लॉग शूट, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ और वो अपनी वीडियो जो है मुझे शूट कर रही है। तो ठीक है गुलाब साहब, जा रहा है खुश है? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो बस ये भी रेडी हो गए हैं, और बाजी दुल्हा भाई पुप्पी सब लोग नीचे पहुँच गए हैं, और हम लोगों को उगी शाम। हेलो गाइस, हेलो मदर दी, डबल डबल हेलो। तो चलिए चलते हैं, और बस पानी वानी ले लिया सब, पानी वानी ले लिया, बैग जीसा नीचे रखकर आ गया है। और इनाया मैडम हमारी सो गई हैं, ये देखिए इनको सोते सोते ये कपड़े पहनाए हैं, आधी ड्रेस नहीं पहनी है। यहाँ देखिए आलिया तैयार हो चुकी थी बहुत देर की, बोल रही है कि कौन कह रहा है जाने के लिए, तो मैंने कोई नहीं कह रहा जाने के लिए, पर जाना पड़ता है। नहीं जाना पड़ता, नहीं है नहीं जाना पड़ता, अकेले शौक नहीं है, शौक नहीं है जाने का। हाँ, बस यहाँ भी रहने का शौक है। ठीक है जी साहब, जा रहे हैं, बाय 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 बाय, पकड़ के रखो। तो देखिए गुलाब साहब ने मुझे गिफ्ट दिया है ये कंगन, कैसी लगी आप सभी को, कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। देखिए अच्छा लग रहा है ना, ओके, और इसमें ना नक का काम हो रहा है और डिजाइन बहुत अच्छा है इसका। तो गुलाब साहब अभी मैं जा रही थी, जब गुलाब साहब कहने लगी बाजी देखो मैं तुम्हारे लिए कंगन ले गई थी, तो तुम पहन लो, दूल्हा भाई ने तुम्हें रिंग दी है तो मैं तुम्हें कंगन दे दे रही हूँ, मैचिंग मैचिंग हो गई। ठीक है, हाथ बढ़िया। तो देखिए मुझे इनकी साइड से भी गिफ्ट मिल गया और गुलाब साहब के साइड से भी गिफ्ट मिल गया। तो देखिए मुझे बिना काम के, बिना कोई बजा के गिफ्ट मिल गए हैं, आने की खुशी में गिफ्ट मिला है। नहीं जाने की खुशी में गिफ्ट दिया, जाते टाइम पे आने की खुशी में। तो चलिए अब चलते हैं, अपना सामान सारा हमने समेट लिया है, और एक दो चीज तो रह जाती है, लड़कियों का अक्सर होता है कि जब जो है लड़कियां सामान जो है लड़कियां मायके में आती है ना, तो कुछ ना कुछ तो छोड़ कर जाती है अपनी निशानी, तो बस कुछ ना कुछ तो रह जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग हो गए रेडी, क्योंकि जो हम गाड़ी रेंट पर लेकर आए ना, तो उसको जो है 8 बजे दूसरी जगह जाना है, भोपाल पता नहीं कहाँ बता रहे, तो इसलिए हमें 8 बजे तक घर पहुंचना है शिवपुरी। तो चले बाय बाय, बाय बाय। और आप लोगों को गुलाब साहब का घर कैसा लगा? कलर बहुत अच्छा लग रहा है, और वैसे वीडियो में मैंने देख लिया था, लेकिन जब हम सामने चीज देखते तब और अच्छी लगती, तो बड़ा अच्छा लगा।
कि घर बहुत अच्छा हो गया है। तो चलिए अभी तो हम जो है सिर्फ एक दो दिन के लिए रुकने के लिए आए थे, लेकिन अब बहुत जल्द हम अच्छे से रुकने के लिए आएंगे। ठीक है चले जल्दी ही आना। चलो चलो चलते अब ज्यादा काम का प्लान। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बाजी को जाना है झांसी, तो इसलिए हम लोग जो है जल्दी ही निकल रहे हैं। और जो गाड़ी है उसको भी जो है दूसरी जगह जाना है 8 बजे, तो हमें जो है 7 बजे तक पहुंचना है सियुपरी। तो यहाँ देखिए अलमीरा भी आ गई है, तो पापा बहुत देर पहले ही लेकर आ गए थे, तो अब ये जो है बाद में ही चढ़ेगी मतलब हम लोगों के जाने के बाद। तो यहाँ मैं कलर दिखा रही हूँ क्योंकि किसी ने देखी नहीं है, इन्होंने देखी नहीं है। तो गुलफ़ा बोल रही थी मैं क्लिप भिजा दूंगी, और यहाँ गुलफ़ा जो है सबसे बाय कर रही है पप्पी से और बाजी से पूछ रही है कि अब कब आओगी। तो बाजी बोल रही है कि बहुत जल्द आएंगे मौका मिलेगा तो। और बस यहाँ पे जो है अब हम लोग जा रहे हैं और बाजी से जो है बातें कर रही है गुलफ़ा, और यहाँ पापा दे रहे हैं पैसे क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा चलन है कि कोई भी बहन बेटी आए तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देते, पैसे वगैरह देते ही हैं। शुरू से ही मैंने देखा है, मम्मी भी थी जब भी देती थी, और बस मैंने भी बहन भाइयों को दे दिए तो मैंने ऊपर ही दे दिए थे, और बस पापा यहाँ पर सभी को दे रहे हैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पापा इतने मतलब ज़्यादा रोए हैं, वरना कभी नहीं रोए हैं, हम लोग बाय करके ही हंसी खुशी जाते हैं। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था आने में क्योंकि पापा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे, जब मेरी विदा हुई थी जब रोए थे और आज रोए हैं। तो मैं पूरी रास्ता बस दुखी मतलब ऐसी थी, तो मैंने रास्ते में भी कोई वीडियो शूट नहीं की थी। यहाँ देखिए ये है अलमीरा, और ये जो है हमने फाइनल इसी अलमीरा को किया था। रात में हमने दूसरी पसंद की थी लेकिन सुबह में ये पसंद आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो है बनती है ना डिज़ाइन, तो रात में ही ये अलमीरा बनकर आई थी, तो हमें ये पसंद आई, कलर और डिज़ाइन सब कुछ अच्छा लगा, और जो हम ले रहे थे उससे ज़्यादा स्पेस इसमें है, तो इसलिए हमने इसको पसंद कर ली क्योंकि 5 लोगों के कपड़े इसमें रखे जाएंगे, तो उस हिसाब से बड़ी अलमीरा ही सही रहेगी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, और ये कलर और ये डिज़ाइन लिया है, तो ये जो है क्लिप है ना गुलफ़ा ने बनाकर भेजी, क्योंकि अलमीरा तो जो है रात में ऊपर चढ़ाई थी और बहुत मुश्किलों से चढ़ाई थी, क्योंकि ना हमारा जीना छोटा है ना, तो बगल वालों के मकान में से ऊपर लिया और फिर जाल में से इसको रूम में लिया है, तो इसके दूल्हा भाई ने नहीं देखी थी ना, तो इसलिए गुलफ़ा ने बनाकर भेजी। और माशाल्लाह बहुत अच्छी अलमीरा है। और बस हम लोग जा रहे हैं, ग्वालियर आ गया है, तो बस यहाँ पर जो है सानिया और आलिया की मस्ती चल रही है और इनाया की, तो बस यहाँ ये खेलती हुई जा रही हैं और मैं बस बैठी हुई हूँ उदास सी, क्योंकि मेरे जो जहन में मेरी आँखों में बस गुलफ़ा का और पापा का चेहरा जो है नज़र आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोए हैं। गुलफ़ा भी बहुत रो रही थी और पापा भी, और पापा तो मेरे पहली बार मतलब रोए हैं, जब मेरी मतलब मेरी विदाई हुई थी जब रोए थी, जब से अब रोए हैं, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि पापा इतना क्यों रो रहे हैं, और बस वजह कोई नहीं कि मम्मी नहीं है, तो इसलिए पापा को रोना आ रहा था, क्योंकि मैं भी इतने टाइम बाद गई लंबे समय के बाद, और फिर एक ही दिन रुककर मैं आ गई, तो इसलिए उनको बुरा लग रहा था। और होता है माँ बाप को कि बेटी अगर ज़्यादा ना रुके तो लगता है, तो वैसे तो मेरे पापा हमेशा जो है मुझे हंसते हुए विदा करते थे, कभी भी नहीं ऐसे उदास होते थे। और होता है ना कि बेटी अगर सूखी है तो माँ बाप भी खुश रहते हैं, लेकिन अभी क्या मम्मी नहीं है, तो इस वजह से पापा दुखी थे, तो बस गुलफ़ा भी इसीलिए रोने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी, बस थोड़े दिन की बात है, तो मैं लेकिन होता है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी, तो ये भी मुझे समझा रहे थे कि अपन कुछ दिन बाद जाने ही वाले हैं, तो क्यों इतनी उदास हो रही है, मैंने कि अब पापा रोए हैं तो मुझे लग रहा है, तो वो बोलने लगे हाँ वो तो होता है माँ बाप के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, अपन 2-8 दिन की बात है, 8 दिन बाद फिर से चाहेंगे। तो बस ग्वालियर में जो है बाजू उतर गई हैं बस स्टैंड पर, उनको छोड़कर आ गए हैं, वैसे उनकी 7 बजे की बस है लेकिन हम लोग रुक जाते हैं, लेकिन गाड़ी को जाना है 8 बजे तक सिवपुरी से कहीं और, तो इसलिए हमें 8 बजे से पहले सिवपुरी पहुँचना है। तो यहाँ पर इनाया जो है बहुत ज़्यादा रोई थी, और इसीलिए वो बोल रही थी कि सानिया वहाँ पर उतर गई है, तो बस यहाँ पर वो मैं वीडियो बनाने लगी तो थोड़ा सा शांत हो गई और आलिया के साथ खेलने लगी, तो अभी रात सी भी होने लगी क्योंकि आजकल सर्दी के टाइम में तो रात बहुत जल्दी होने लगती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से सिवपुरी में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।